डीएम ने दिए गुलाब के फूल, बोले मुबारक हो हज का सफ़र। दोस्तों आपको बता दें, मजहब इस्लाम की अहम तरीन इबादतों में से एक हज के लिए हर वर्ष पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज करने सऊदी अरब स्थित मक्का मदीना जाते हैं। गौरतलब है कि हज 2023 के लिए राजधानी उड़ान स्थल से रविवार को प्रथम उड़ान से 288 हज यात्रियों का पहला जत्था सकुशल अपने तयशुदा वक्त पर दोपहर 12 बजे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो गया। वहीं सरोजनी नगर स्थित मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस पर हज यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रसीद फरंगी महली, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एम हज और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति मोहसिन रजा, विधायिका जया देवी और उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सदस्यगण, निदेशक जेरिमा IAS निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के अन्य अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों ने हज यात्रियों को बधाई देते हुए देश प्रदेश सरकार व हज की सेवा में लगे हुए लोगों के लिए मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं करने की गुजारिश के साथ मौलाना खालिद रसीद फरंगी मैली ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों की बसों को हवाई अड्डे के लिए रवाना किया। हवाई अड्डे पर यात्रियों की उड़ान का शुभारंभ लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने फीता काटकर किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर DM सूर्यपाल गंगवार, सऊदी अरब व सऊदी एयरलाइंस के अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कस्टम, इमिग्रेशन व हज समिति के अधिकारियों ने गुलाब के फूल देकर हज यात्रियों को विदा किया। इस पहली उड़ान की मुख्य विशेषता है कि पूरे विश्व में हज 2023 के लिए मक्का और मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले प्रथम हज उड़ान है, जिसके यात्रियों का स्वागत सऊदी अरब हज से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा मदीना पहुंचने पर किया जाएगा। प्रथम उड़ान संख्या APC 3891 से 288 हज यात्रियों में से, जिसमें 149 पुरुष और 139 महिलाएं शामिल रहीं। इसी उड़ान में सबसे अधिक 150 हज यात्री लखनऊ के हैं और 94 हज यात्री बाराबंकी के गए हैं। इसके अलावा इस उड़ान से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल मोइन अपने परिवार सहित ऑल इंडिया वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरमैन साइस्तांबर अपने पुत्र के साथ रवाना हुई। वहीं दूसरी उड़ान संख्या SV 3895 से 282 हज यात्रियों में से 151 पुरुष और 131 महिलाएं सम्मिलित हैं। इस उड़ान में सबसे अधिक बाराबंकी जिले से 85, रायबरेली जिले के 61, लखनऊ के 49 और उन्नाव के 45 हज यात्री हैं। आगामी उड़ान के हज यात्रियों को खबर दी गई है कि वो अपना वीजा हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लॉगिन कर निकाल कर साथ रखें।